सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को एंड तक देखना, नहीं तो आपको लिटरली कुछ नहीं समझ आने वाला है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप मिस आउट करोगे तो हो सकता है आप अपनी एक आधी सेटिंग खो दो। तो पूरी वीडियो देखो, उसके बाद ही हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफी लोगों ने मेरे से पूछा है कि यार आप कैसे खेल रहे हो एमुलेटर पे, वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी में। मतलब देखो यार, क्वालिटी कितनी प्यारी क्वालिटी है इसकी। मतलब कई बार ऐसा हो जाता है, स्क्रीन शेयर में आपको इतनी बढ़िया नहीं दिख रही हो, मेरे को तो एकदम मतलब लाइक फुल एचडी में कर रखा मैंने ये। तो इसकी मैं तुम्हें बता देती हूँ कि सेटिंग क्या क्या करनी है और कौन सा ब्लू स्टैक, मतलब कौन सा तुम्हें एमुलेटर डाउनलोड करना है। देखो मैं प्रिफर करती हूँ ब्लू स्टैक, मैंने किसी और में नहीं चलाया है। अब ब्लू स्टैक में तुम्हें कौन सा वर्जन करना है, यहाँ पे सेटिंग में जाके बता देती हूँ। ये वाला N32, नॉर्मल ब्लू स्टैक करो N32, ठीक है। कोई भी पाई और जैसे और कोई भी वर्जन मत करना, सिर्फ ये ही वर्जन करना। इसमें ये जो गेम है बहुत स्मूथ चल रहा है, ठीक है। एंड अब इसके बाद मैं तुम्हें सेटिंग बताती हूँ। यहाँ जाना 3 डॉट्स पे, यहाँ पे सेटिंग्स में जाना। और सबसे पहले हम लोग आते हैं परफॉर्मेंस पे। अब देखो परफॉर्मेंस में ना आपको ये जो मैंने ये सब चीजें ये मैनुअली एलोकेट कर रखी है। अब जैसे देखो, अगर आप लोग इस एम्युलेटर के अलावा सिस्टम में कुछ नहीं चलाने वाले हो साथ के साथ, तो जैसे आप सपोज आपके 8 कोर है, तो आप उनको सिस्टम को 7 कोर दे दो, ठीक है। किसी के इससे कम हो गए तो जितने भी आपके कोर्स का जो सीपीयू होगा, आप उससे थोड़ा सा मतलब एक कम, एक या दो कम इसको एलोकेट कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे टास्क मैनेजर में जाके बताती हूँ मैं कि आप लोग कहाँ से सर्च कर सकते हो कि भाई कितने कोर का सीपीयू है। तो यहाँ सीपीयू में गए हम लोग, देखो मेरा है 8 कोर का सीपीयू, ये तुम्हें दिख रहा होगा, ये राइट साइड में छोटा सा लिखा हुआ है, ये रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो 1 2 3 थर्ड लाइन में, तो मेरा 8 कोर का है, मैंने इसको 7 कोर दे दिए ताकि ये अपना फुल प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे थे मेमोरी एलोकेशन पे। देखो मेरा मेमोरी एलोकेशन, वैसे मेरा तो मेमोरी यार 16 GB है। अब यहाँ पे मैंने 4 GB कर रखा है, पर इसको तुम कस्टम करके बढ़ा सकते हो, 8 GB इसको कर दो। मैंने इसको 4 GB, मेरे ख्याल से बाई डिफॉल्ट गलती से हो गया, चलो जैसा भी है। इसको भी तुम लोग यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करके इसको भी एलोकेट कर सकते हो, पर मैं बोलूंगी कि 4 GB ही इनफ है, इससे ज्यादा जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ परफॉर्मेंस मोड आता है तुम्हारा, कि हो गया हाई परफॉर्मेंस। और फिर उसके बाद ये जो फ्रेम रेट है ना, तुम्हें ये इंक्रीज करना है। अब ये कैसे इंक्रीज होगा, तुम्हारा बाई डिफॉल्ट ना ये इनेबल हाई फ्रेम रेट ये ऑफ होगा, ठीक है। तो तुम्हें इस पे क्लिक करना है एंड इसको फुल कर देना है, ठीक है। तो ऐसे करके 240 तुम्हारा ये सेट हो गया। अब अगर तुम्हें देखना है कि तुम्हारे गेम के FPS कितने आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये होगा डिस्प्ले FPS ड्यूरिंग गेम प्ले, तो इसको ऑन कर देना, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है, हो गया डन। अब हम लोग चलते हैं डिस्प्ले पे, ठीक है। तो डिस्प्ले जो भी तुम्हारी डिस्प्ले सेटिंग होगी वो कर देना। मेरा फुल HD है, तो मैंने 1920x1080 कर रखा है। एंड जो मेरी पिक्सल डेंसिटी है वो मैंने वही छोड़ रखी है, मेरी बाई डिफॉल्ट थी 240, ठीक है। और बस इसमें तो तुम्हें कुछ करना नहीं है। सॉरी, अब चलते हैं हम लोग ग्राफिक्स के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तुम इसको सेट कर देना परफॉर्मेंस पे, एंड ये जो ग्राफिक रेंडरर है इसको कर देना OpenGL, ओके। एंड फिर इसके बाद ये आता है इंटरफेस रेंडरर, तो मैंने इसको कर रखा है DirectX। अब ये आएगा ASTC टेक्सचर्स, इसको कर देना है हार्डवेयर डिकोडिंग, ओके। बस इतना है और कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद हम लोग आते हैं ये तो तुम्हारे हेडफोन हेडफोन है जो भी है, तुम सेट कर लेना अपना, मतलब जो भी हेडफोन यूज कर रहे हो उसको सेटअप कर देना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, ये अपने आप कर लेना आप लोग। और मेन है, देखो अब मैं आती हूँ एक इम्पोर्टेंट चीज पे, वो ये है, अगर तुम लोग चाहते हो कि भाई बिल्कुल HD चाहिए, ठीक है, तो ये देख लो तुम, यहाँ पे ना तुम्हें कस्टम प्रोफाइल बनानी है। अब ये कैसे बनानी है ये मैं तुम लोगों को बताती हूँ। देखो यहाँ पे कस्टम फोन तुम्हें सेलेक्ट करना होगा, है ना, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरर में हुवाई का फोन डालना है, और ब्रांड में भी सेम हुवाई, एंड मॉडल में तुम लोग डालोगे P30 Lite, जो भी ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करके इसको तुम लोग मतलब
एडिट तो चिपका देना यहाँ पे। अब नेटवर्क प्रोवाइडर का कैसे करोगे, जैसे जिन लोगों का एयरटेल है वो एयरटेल सेलेक्ट कर लो, जिसका जियो है वो जियो सेलेक्ट कर लो, इसका कोई वो सीन नहीं है, पर हाँ जो नेटवर्क है तुम्हारा वही सेलेक्ट करना, बाकी इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ इतना सा तुम्हें करना है। एंड एक चीज और बता रही हूँ तुम्हें मैं, अब जैसे अब यहाँ पे आ गए, अब ये तुम्हारी हो गई एमुलेटर की सेटिंग, अभी भी कुछ चीजें बाकी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखना ठीक है। तो अब क्या करना है, एक तो बीजीएमआई तुम लोगों ने डाउनलोड किया था इसमें ठीक है, और फिर उसके साथ तुम्हें जीएफएक्स टूल डाउनलोड करना है। अब डाउनलोड करने के लिए ना कई लोग ना यहाँ पे ऐप सेंटर में चले जाते हैं, ऐप सेंटर में तुम्हें नहीं जाना है, यहाँ पे जाओ सिस्टम ऐप्स में और यहाँ से प्ले स्टोर खोलो ठीक है। अब मैंने ना यहाँ पे डिवाइस डाल दिया ना, तो इस चक्कर में मेरा प्ले स्टोर काम नहीं करना है, तो ये जो तुम जीएफएक्स डाउनलोड करोगे, बीजीएमआई जो भी डाउनलोड करोगे, ये सब पहले डाउनलोड कर लेना, क्योंकि अगर तुम ये सेटिंग करने के बाद, वो जो फोन है ना वो फोन एक्चुअल में बाहर का फोन है, वो मतलब यहाँ का फोन नहीं है, तो अगर तुम वो वाला फोन डालते हो तुम्हारा प्ले स्टोर काम करना बंद हो जाएगा ठीक है। तो अब तुमने जीएफएक्स यहीं से डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। अब यहाँ पे आप लोग जाओगे जीएफएक्स के अंदर, आपने डबल क्लिक किया ठीक है, फिर उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ पे देखो सेलेक्ट गेम वर्जन आएगा, तो यहाँ पे आपने बीजीएमआई इंडिया सेलेक्ट करना है, बीजीएमआई इंडिया डाउनलोड। यार इसे मेरे कान खराब कर दिए भाई, मतलब पीछे उसने बैकग्राउंड में ना वो चला दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आए, अब यहाँ पे हमें रिजोल्यूशन सेलेक्ट करना है, रिजोल्यूशन में मैं सेलेक्ट करूंगी जो मैंने वहां पे स्क्रीन सेलेक्ट करी थी 1920 एंड 1080 फुल एचडी मैंने सेलेक्ट किया है। अब ये जो यहाँ पे मेन बात बताती हूँ, ये जो ग्राफिक्स है ना जीएफएक्स टूल में, ये तुम्हें वही सेट करने हैं जो तुम्हें इन गेम चाहिए ठीक है। अब मैं यहाँ पे इन गेम बाय डिफॉल्ट स्मूथ चाहिए मेरे को, क्योंकि भाई देखो ज्यादा सेटिंग हाई मत करना, अभी पहले जो सेटिंग मैं बता रही हूँ वो कर लो, और अगर तुम्हें इससे अच्छी और बेटर क्वालिटी चाहिए होगी तो यहाँ पे ये स्मूथ है ना, इसको तुम अल्ट्रा भी कर सकते हो, एचडीआर भी कर सकते हो, पर अभी फिलहाल मत छेड़ना, फिलहाल इसको स्मूथ करो ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं एफपीएस पे, मैंने बाय डिफॉल्ट ये 30 रहते हैं, मैंने इसको कर दिया 90 FPS। एंड हाँ ये स्टाइल को चेंज कर लेना, स्टाइल मैंने कर दिया कलरफुल ओके। अब ये तुम्हारा कलरफुल वही होता है जो तुम्हारा इन गेम होता है ना, क्लासिक होता है, कलरफुल होता है, वही सब चीजें वही सेटिंग हो रही है यहाँ पे। रेंडरिंग क्वालिटी मैंने लो की है। एंड फिर उसके बाद हम लोग आए थे लास्ट में, अब तुम्हें कुछ नहीं छेड़ना है, बस लास्ट में जाके ये है सेफ कंट्रोल्स, अब इसको कर देना है इनेबल एंड कर देना है एक्सेप्ट ठीक है। अरे यार ये एड को तुम्हें इग्नोर करना है, ये एड्स आने वाले हैं, और अपनी की जो सही में हेडफोन की वॉल्यूम है उसको बहुत कम रखना, नहीं तो लग जाएगी कानों की, तो सही में। अब यहाँ पे क्या लिखा है देखो, इसने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं तुम लोगों को क्या करना है, स्टोरेज में जाना है। अब इसने बोल रखा है कि भाई स्टोरेज में जाना है, वहां पे तुम्हें क्लियर कर देना है स्टोरेज को ठीक है। मतलब गेम की स्टोरेज में जाके एक तो गेम का स्टोरेज क्लियर करना है, ऊपर से जो परमिशन होगी ना वो तुम्हें देनी पड़ेगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब तुम क्लियर करोगे इसको तो सब खत्म हो जाएगा, मतलब सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे स्टोरेज में गए, देखो मैं ये चीज दोबारा नहीं करूंगी यार, बहुत मतलब सीन वैसा रहता है। तो यहाँ पे क्लियर डेटा किया, फिर यहाँ पे क्लियर कैश किया, उसके बाद आपको यहाँ पे परमिशन में जाना है, और फिर ये माइक्रोफोन आपको बाय डिफॉल्ट ऑफ मिलेगा, इन दोनों को ऑन कर देना ठीक है। ऐसे करके अब आप जैसे ही वापस आओगे ना, अब जैसे ही आप वापस आओगे इसमें ये जीएफएक्स टूल में, यहीं से आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहीं से आप बैक करोगे ना, जैसे ऐसे ऐसे बैक करोगे, आप यहीं से बैक करोगे, मतलब आपको वहां से नहीं जाना है। कहाँ से बैक करना है एक बार फिर से बता देती हूँ, जैसे आपने डिसेबल, हाँ एक बार ध्यान से देख लो, ये जो बैक का ऑप्शन होता है ना, ये राइट साइड वाला, ये जो आपका एमुलेटर में बैक का ऑप्शन होता है, आपको वो प्रेस करना है। कहाँ पे, जब आप ना जैसे बीजीएमआई का पूरा सेटिंग रीसेट वीसेट करके फिर उसको परमिशन दोबारा से दे दोगे ना, मतलब क्लियर व्लियर करके स्टोरेज को, फिर आप यहाँ से रन गेम करोगे। अब मैं एक बात और बता देती हूँ, जो लोग ये सोच रहे हो कि हर बार आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको जीएफएक्स सिर्फ एक ही बार रन करना है, सिंगल टाइम। ये जो फोन मैंने आपका डलवाया है ना, ये फोन की वजह से आपको 90 FPS आना ही आना है। अब मैंने जीएफएक्स के थ्रू इसको रन किया, तो इस चक्कर में क्या हुआ है ना कि मेरा म्यूजिक व्यूजिक सब रीसेट हो चुका है,
तो हाँ एक चीज और, अगर तुम्हारी गेम में कोई किसी तरीके की सेटिंग्स है, कुछ भी है, ये सब चीजें करने से पहले वो सेटिंग तुम लोग सेव कर लेना, अपलोड टू क्लाउड कर लेना, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब तुम्हारे सामने मैंने जैसे कि ब्लूस्टैक अभी अभी ऑन किया है, तो मैं डायरेक्ट बीजीएमआई चला रही हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को पहले जीएफएक्स चलाना पड़ रहा है फिर मैं बीजीएमआई खोल रही हूँ, नहीं 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 उसकी जरूरत नहीं है। अब तुम लोग यहाँ पे एफपीएस नोटिस करना, जैसे मैं इन गेम जाऊंगी ना फिर उसके एफपीएस देखना कितने आएंगे, तो ये 80 to 90 मतलब ऐसे ही एफपीएस दे देता है। देखो 90 FPS आ गए, 89 आ गए FPS, तो बस इसका यही ऐसे फ्लक्चुएशन चलता रहेगा थोड़ा बहुत, पर बहुत स्मूथ चलेगा गेम, बहुत स्मूथ। ओके अब मैं आप लोगों को अपनी इन गेम सेंसी और सेटिंग्स बता देती हूँ। ओके ये म्यूजिक पहले बंद करती हूँ इसका, तुम लोगों को नहीं सुनाई दे रहा क्योंकि मैंने बैकग्राउंड जो म्यूजिक है ना मतलब साउंड्स है उसको बंद कर रखा है। इसमें इधर गए सेटिंग्स में गए ऑडियो, और मैंने यहाँ पे म्यूजिक कर दिया बंद। अब देखो मेरा स्पीकर यूजुअली इतना रहता है इतना, हाँ, और बाय डिफॉल्ट जब भी तुम ऑन करोगे ना सेम मतलब गेम को तो स्पीकर थोड़ा सा कर देता है यार। सो गाइज बाकी की सेटिंग दिखाने से पहले मैं सेंसी पे जा रही थी, उससे पहले मेरे को याद आया कि मैंने ना तुम लोगों को ये तो दिखाया ही नहीं, गेम कंट्रोल्स भी तो चाहिए यार तुम लोगों को। तो यहाँ पे ना ये 1 2 3 4th ऑप्शन है जहाँ पे है गेम कंट्रोल्स, ठीक है यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे तुम जाओगे कंट्रोलर कंट्रोल्स एडिटर, ठीक है यहाँ गए। और यहाँ पे ना मैं एक फाइल दे दूंगी आप लोगों को, वो फाइल सेम एज इट इज आप लोग अपलोड कर सकते हो, या फिर आप मैन्युअली इसको सेट कर सकते हो, मैन्युअली थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी फाइल। और अपलोड कैसे करनी है, ये यहाँ पे इम्पोर्ट का ऑप्शन है देख लो। सेकेंड फर्स्ट वाला तो अपडेट कंट्रोल्स है, फिर उसके बाद सेकेंड वाला है इम्पोर्ट का ऑप्शन, कंट्रोल स्कीम के सामने उस पर क्लिक करके आप फाइल को इम्पोर्ट कर देना डायरेक्ट, यहाँ पे आपके ये सेटिंग मिल जाएगी आपको, ठीक है ये हो गया। फिर उसके बाद ना आपको वापस यहीं पे जाना है गेम कंट्रोल्स में, और यहाँ पे एक चीज बता देती हूँ, ये माउस सेंसिटिविटी, ये जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कई बार क्या होता है ना ये माउस सेंसी, अब तुम्हें मैं बताती हूँ, कई बार एडीएस करते हो ठीक है, तो एडीएस में कितनी बार ऐसा होता है कि जब तुम फायर कर रहे हो ना तो माउस कितना चला रहे हो पर वो जो एडीएस वाला सिंबल है वो कई बार या तो ज्यादा चलेगा या कम चलेगा, तो ये उसकी सेंसी है माउस सेंसिटिविटी। तो ये मैंने 0.70 कर रखी है, 0.70 0.7 ठीक है, तो इसको सेट कर लेना अगर इनकेस आगे पीछे हो रखा है। पहले गेम में जाके देखना, अगर सब सही लगता है तो तुम्हें जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें लगता है थोड़ा गड़बड़ है तो इसको सेंसी को छेड़ लेना, क्योंकि सबका अलग होता है अपने अपने माउस के अकॉर्डिंग होता है। अब यहाँ पे जाते हैं, हाँ तो अब आगे मैं आपको सेंसी बता देती हूँ, एंड कुछ अगर मैं मिस आउट करती हूँ तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सेंसी पे आए थे, ये मेन चीज है गाइस, तो इस चीज को तुम लोग देख लो यार अभी नहीं। देखो यहाँ पे सेंसी के स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं बता नहीं रही हूँ मैंने क्या कर रखी है सेंसी। ये कैमरा सेंसिटिविटी है तुम्हारी सारी, लेंस का मैं गायरो भाई क्योंकि हम लोग मॉनिटर उठा के तो नहीं घूमने वाले हैं, तो गायरो सेंसी छोड़ दो। मैंने सिर्फ ये वाली सेंसी रखी हुई है 16 16 9 10 8 5 3 2। अब ये सेम सेंसी मैंने नीचे, अगर ये एडीएस वाली सेंसी रखोगे तो सेम रख देना, मैंने रखी नहीं है एडीएस की सेंसी, मैंने डिसेबल कर रखी है। और ये कैमरा सेंसी ये 5 कर रखी है, ये 4 कर रखा है, और ये 4 कर रखा है। अब एक चीज और, मेरे माउस की डीपीआई आई थिंक 1200 1500 के बीच में है, तो मेरा गेमिंग माउस है, और किसी का अगर नॉर्मल माउस होगा तो वो सेंसी अपने अकॉर्डिंग कर लेना, मैं अपनी सेंसी बता रही हूँ। हाँ और ये अपलोड टू क्लाउड कर लेना जरूर, ताकि इनकेस कभी होता है ना जैसे डिलीट विलीट हो जाती है कुछ भी, मतलब अकाउंट तुम रीसेट करते हो, बीजीएमआई भी कभी कभी एमुलेटर रीसेट हो जाता है तो उस टाइम में बड़ी दिक्कत आती है यार, फिर सेंसी करो दोबारा से। बाकी कस्टमाइज बटन तो नहीं, हाँ एक ये वाली चीज और करनी है तुम्हें, व्हीकल में जाना है, व्हीकल्स व्हीकल्स ये रे व्हीकल्स में जाना है, और तुम्हें ये सेंटर वाला सेलेक्ट करना है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि भाई मेरा क्यों नहीं हो रखा है सेलेक्ट पहले से, क्योंकि अभी मैंने तुम लोगों को वो जीएफएक्स टूल का करके दिखाया ना, जब भी तुम जीएफएक्स टूल वाली चीज यूज करोगे ना यार तो सब रीसेट हो जाएगा, मतलब तुम्हारे अकाउंट का इन गेम का, सेंसी नहीं होती रीसेट, बस ये कंट्रोल्स ये सब चीज हो जाती है। बाकी हम लोग गए यहाँ पे कंट्रोल्स में, तो मैंने
पीक नेबल किया एंड यहाँ पे मैं होल्ड पे करने वाली हूँ, मेरे को होल्ड ज़्यादा सही लगता है। और बस हो गया ये। उसके बाद ये ग्राफिक्स देखो, ये वो ही ग्राफिक्स है जो मैंने आपको वहाँ पे सेटअप कराए थे, स्मूथ कराया था, ठीक है, स्मूदी है, और स्टाइल मैंने कलरफुल कराया था, तो वो कलरफुल ही आया है। अब इसके बाद हम लोग जाते हैं पिकअप्स पे, तो मैं तो पिकअप्स जो मेरा कस्टम अटैचमेंट ऑटो इक्विप स्कोप ये डिसेबल रखती हूँ, और ये सब चीज़ें जो भी सेट करनी है तुम कर लेना, यहाँ से अपलोड कर लेना जैसे भी करना है। बस इसके अलावा एक चीज़ और को देखने दो मेरे को, इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना। ऑडियो ऑडियो तो सब सेटअप करा दी है मैंने, थोड़ा सा एफएक्स एस एफ एक्स कम रखती हूँ मैं, मास्टर वॉल्यूम तो करती हूँ, और बस अपना ठीक है। हाँ हो गया। अब ये चीज हो चुकी है और सेटिंग मैंने आप लोगों की करा दी है, बस गेम में जाओ और खेलो बढ़िया से। मतलब तुम लोगों का ना ये स्क्रीन आना चाहिए, देख लो एक आधी बार। कभी कभी ऐसा होता है जब आप मतलब गेम रिस्टार्ट करते हो तो कभी कभी ना मतलब ग्लीचेस आते हैं, वो नॉर्मल फोन में भी आते हैं, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, बस अपना मतलब रिस्टार्ट कर लो गेम को ना, हो जाएगा। मैं इस पे बहुत टाइम से खेल रही हूँ, मतलब जब से बीजीएमआई वापस आया है ना तब से मैं इस पे खेल रही हूँ, और अभी तक तो कोई ऐसा इश्यू नहीं आया मेरे को। या अब देखो 89 FPS आ रहे हैं, मैंने GFX लॉन्च भी नहीं किया, मतलब दोबारा से लॉन्च नहीं किया GFX। अब देखो मैं एक चीज दिखाती हूँ, मैंने इसको क्लोज किया, ये मैं ऑन कर रही हूँ गेम को, हो जा। तो अब मैंने डायरेक्ट गेम ऑन किया है, मेरे को जरूरत नहीं है कोई भी चीज चलाने की। सो होप सो गाइस तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक करना और वीडियो को शेयर कर देना यार, जो भी तुम्हारे दोस्त हैं, जितने सारे बंदे हैं जो खेलना चाहते हैं मिलिट्री पे। आई अंडरस्टैंड यार, मतलब देखो बहुत दिक्कत होती है यार, मतलब फोन पे खेलने में, या छोटी छोटी स्क्रीन जिसको माउस की आदत हो ना, माउस कीबोर्ड की, वो लोग नहीं खेल सकते फोन पे। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। ओ बाय द वे यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी, मैं स्ट्रीम करती हूँ डेली 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक मेरी स्ट्रीम रहती है, तो यू कैन ज्वाइन मी देयर एंड या बाय बाय।